11 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिनकी डिमांड रहती है 12 महीने, जिसमें आप हो सकते हैं मालामाल। आमतौर पर दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस सर्विस के तौर पर शुरू किया जाता है, जबकि दूसरा बिजनेस वो जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होता है। बता दें, वो व्यापारी जो किसी वस्तु या प्रोडक्ट का निर्माण ना करके केवल ग्राहकों को सर्विस प्रदान कर रहा है, उसे सर्विस बिजनेस कहा जाता है। और वो व्यापारी जो सामान की मैन्युफैक्चरिंग करके, यानी कि प्रोडक्ट्स को बना करके लोगों तक पहुंचाता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जोड़ा गया है। यदि आप भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बिजनेस में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे जिनकी मांग मार्केट में 12 महीने बनी रहती है। खास बात यह है कि आप इन बिजनेस को कम बजट में भी शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाती है और हर महीने आप इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं। क्या है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है। साफ शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जहां कच्चे माल से मशीनों या हाथों के द्वारा नई वस्तु को तैयार किया जाता है और इसे बनाने के बाद मार्केट में बेचने की प्रक्रिया को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत लगाकर भी अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप मुनाफा कमाने के साथ साथ कई बेरोजगार लोगों को काम भी दे सकते हैं। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। पापड़ बनाने का बिजनेस। पापड़ का बिजनेस शुरू करना काफी सरल है और इसमें कम समय में अपार सफलता हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि आप इस बिजनेस को घर से ही शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए आपको ज्यादा लागत भी नहीं लगानी होगी। क्योंकि पापड़ की बिक्री 12 महीने की होती है, इसके चलते आप इस बिजनेस में अच्छी इनकम कर सकते हैं। पापड़ तैयार करने के लिए कई प्रकार की दालों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पापड़ के लिए आपको कच्चा माल भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से मिल जाएगा। यदि कमाई की बात करें, तो इस बिजनेस में आप हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। यदि बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत करेंगे, तो आप हर महीने इस बिजनेस में 30,000 से 40,000 रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। अचार बनाने का बिजनेस। अचार का बिजनेस सदाबहार बिजनेस माना जाता है। दरअसल भारत में अचार खाने के शौकीन लोग बहुत ज्यादा हैं और बाजार में हर तरह के अचार की मांग रहती है। ऐसे में आप आम का अचार, गाजर का अचार, इमली का अचार, कटहल का अचार जैसे इस प्रकार के अलग अलग अचार तैयार करके मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारी भरकम मशीनों की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस बिजनेस की शुरुआत महिला या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अचार के इस बिजनेस में आप हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए की इनकम कर पाएंगे। सैनिटरी पैड का बिजनेस। सैनिटरी पैड विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा हुआ उत्पाद माना जाता है। दरअसल पीरियड्स के दौरान महिलाओं और लड़कियों को इस उत्पाद की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में सैनिटरी पैड के बिजनेस की मार्केट में काफी डिमांड है और 12 महीने ही सैनिटरी पैड की मांग रहती है। इस बिजनेस को महिला और पुरुष दोनों ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको करीब 50,000 रुपए तक निवेश करना होगा। यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हर महीने आप इससे 20,000 से 30,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगरबत्ती की मांग दुनिया भर में रहती है और इसका बिजनेस भी बड़े पैमाने पर होता है। यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को खुशबूदार और अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती देने में सफल हो जाता है, तो ये बिजनेस आपको काफी लाभ दिला सकता है। हालांकि देश और विदेश में कई कंपनियां हैं जो अगरबत्ती का निर्माण करती हैं, लेकिन यदि आप भी इस बिजनेस में हाथ आजमाना चाहें, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। आप अच्छी क्वालिटी और खुशबूदार अगरबत्ती का निर्माण कर इस बिजनेस में लाखों की इनकम कर सकते हैं। मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। मोमबत्ती बनाने का बिजनेस भी काफी लाभदायक बिजनेस है। मोमबत्ती का इस्तेमाल घरों में उजाले आदि के लिए किया जाता है। हालांकि बदलते समय के अनुसार मोमबत्ती का इस्तेमाल रैलियों, त्योहारों और जन्मदिन जैसे मौकों पर भी किया जाने लगा है। मोमबत्ती कई प्रकार की होती है। कुछ मोमबत्ती को घरों में डेकोरेशन के तौर पर भी लगाया जाता है और कुछ मोमबत्ती का इस्तेमाल अन्य खास मौके पर किया जाता है। यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो इसमें भी आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मोमबत्ती के इस बिजनेस में आप करीब 40,000 से 50,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपको अधिक निवेश की जरूरत नहीं होगी। साबुन बनाने का बिजनेस।
साबुन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी कम नहीं होती है। कपड़े धोने, नहाने या हाथ धोने के लिए लगभग हर घर में साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, साबुन एक ऐसी वस्तु है जिसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहेगी, पर आने वाले समय में इसकी मांग अधिक होगी। यदि आप उच्च क्वालिटी और सही कीमत में साबुन बेचने और बनाने का काम करते हैं तो आप इसमें काफी सफलता हासिल कर सकते हैं। साबुन के इस बिजनेस में आप हर महीने करीब 60 से 70 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। बिस्किट बनाने का बिजनेस। बिस्किट बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मशीनों की आवश्यकता होगी। बता दें कि बिस्किट बनाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन बाजार में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो हैंडमेड बिस्किट बनाकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिस्किट बनाने का बिजनेस काफी मुनाफे का सौदा है। इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की कमाई कर पाएंगे। फर्नीचर बनाने का बिजनेस। फर्नीचर का इस्तेमाल घर की साज सज्जा और घर को एक नया रूप देने के लिए किया जाता है। इस बिजनेस की मार्केट में अधिक डिमांड है। लोग कई तरह के फर्नीचर डिजाइन करवाते हैं। ऐसे में यदि आप फर्नीचर बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें भी आप काफी कमाई कर सकते हैं। बता दें कि इस बिजनेस में वो व्यक्ति ज्यादा मुनाफा कमा सकता है जो स्वयं कारपेंटर हो। इसके अलावा यदि आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको फर्नीचर बनाना नहीं आता है तो आप कारीगरों को काम पर रखकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने 50 से 55 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। मसाले पाउडर का बिजनेस। भारतीय खाने में मसाला सबसे उपयोगी सामग्री है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का उपयोग किया जाता है। भारत के ज्यादातर घरों में एक से अधिक मसाले का मिलना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय मसालों की मांग घरेलू बाजार में होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अधिक डिमांड है। आप चाहें तो किसानों से कच्चा माल लेकर उन्हें पीस कर खुद का ब्रांड भी बाजार में शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आप इस बिजनेस में अधिक लाभ कमा पाएंगे, साथ ही आपको इसमें ज्यादा निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मसाले तैयार करने के लिए आपको कच्चा माल ग्रामीण इलाकों से सस्ती दरों में मिल जाएगा। मसाले का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हर महीने 20 से 30 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। नमकीन बनाने का बिजनेस। हमारे देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो नमकीन का उत्पादन कर मार्केट में बेचकर इसे काफी मुनाफा कमा रही हैं। ऐसे में यदि आप भी नमकीन बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको अधिक निवेश की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल 50 हजार रुपए से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नमकीन बनाने के लिए आपको नमक, मैदा, बेसन, मूंगफली के दाने, मसूर, तेल, मूंग की दाल, मसाले और पैकिंग हेतु पाउच जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। इन चीजों के जरिए आप घर में ही नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग कर मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। यदि आपके द्वारा बनाई गई नमकीन की गुणवत्ता अच्छी है और लोग इसे पसंद करते हैं तो आप इस बिजनेस के जरिए हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करने का बिजनेस। पॉपकॉर्न तैयार करने का बिजनेस सबसे सरल और सबसे आसान बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अधिक निवेश की जरूरत नहीं होगी। आप इसकी शुरुआत 10 से 20 हजार रुपए में भी आराम से कर सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करके उसकी अच्छी पैकिंग करके आप शहरों में इसे होलसेल में बेच सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करने के लिए आपको कच्चा माल यानी कि मक्का आसानी से सस्ती दरों में ग्रामीण क्षेत्र से मिल जाएगा। पॉपकॉर्न की डिमांड 12 महीने रहती है। आप चाहें तो इसकी बिक्री के लिए सिनेमा घरों से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में आप हर महीने 20 से 30 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।